नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बीबी नेटवर्क में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है इंडिया में और अफ्रीका में। मुंबई में उनकी हेड ऑफिस है और हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं, लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड एंड दिल्ली। 5 स्टेट में काम चल रहा है और अच्छा, हमने 4 साल में प्रोग्रेस किया है। उन सबका रिजल्ट है कि मीडिया का सपोर्ट, कॉरपोरेट्स का सपोर्ट, गवर्नर्स का, गवर्नमेंट का सपोर्ट, ऐसे सबके सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी, हाल ही में आपका एक मुंबई में म्यूजिक लॉन्च हुआ है रिजवान फाउंडेशन का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस, हम अलग अलग इनिशिएटिव लेके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की ट्राई कर रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक रिजवान आदित्य फाउंडेशन का एक म्यूजिक लॉन्च किया है और अच्छा उनका क्या बोलते हैं स्प्रेड हुआ है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो इससे ऐसे अलग अलग हम लोग इनिशिएटिव लेते हैं। सर, आप जिस तरीके से हर महीने अफ्रीका से इंडिया आते हैं, तो ये कैसे, मतलब इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेते हैं? जब हमने फाउंडेशन शुरू किया 2015 में, तभी हमने अपने देश को कमिटमेंट दिया कि मैं हर महीना महीने में एक बार अफ्रीका से इंडिया आऊँगा अपने देश की और देशवासियों की सेवा करने के लिए। 2015 से 2020 का मेरा कमिटमेंट है और मैं ईमानदारी से अपने कमिटमेंट पे चलता हूँ। मैं हमेशा ईमानदारी के साथ ही हर चीज़ करता हूँ। जी सर, अभी फिलहाल हाल में आपको ज्वेल्स ऑफ गुजरात के नाम से सम्मानित किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये गुजरात के अंदर अहमदाबाद में 17 जनवरी को मुझे ज्वेल ऑफ गुजरात से सम्मानित किया गया है। वहाँ तकरीबन 30 कंट्रीज के से गुजराती एक प्लेटफॉर्म पे जमा थे, तक 500 से ज़्यादा डिग्निटरीज थी और यह हमारा 25वां अवार्ड था। अवार्ड हमेशा हमें मोटिवेट करता है, हमें और जोश और जज्बा हमारा बढ़ाता है और एवरी टाइम अवार्ड्स मिलता है तो उससे काम की हमारी क्षमता बढ़ जाती है। और ये अवार्ड मुझे नहीं दिया गया, हमारा फाउंडेशन को दिया गया, जिनका हकदार है, हमारी जो डायनामिक टीम है, हमारे डोनर्स है, हमारे पार्टनर्स है और ख़ास करके मीडिया, सबका सपोर्ट से हमारा फाउंडेशन काम कर रहा है। तो इनका जो क्रेडिट है वो सब लोगों को जाता है। सर, इस ऊंचाई तक लाने में कैसा, क्या कुछ सफ़र रहा आपका, कैसे यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? सफ़र तो बहुत चैलेंजिंग रहा है, पर जहाँ चैलेंजिंग चैलेंजेस होती है वहीं ग्रोथ होती है। तो बहुत सारी चैलेंजेस हमने फेस की है इंडिया और अफ्रीका में, हर जगह पे, लेकिन चैलेंजेस अच्छी बात है। हम अप्रिशिएट करते हैं, हम खुश होते हैं जब हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, जब प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि तब जाके हम फास्ट ग्रो हो सकते हैं। तो बहुत सारी चैलेंजेस फेस करके और आज भी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, चैलेंजेस लाइफ में होना बहुत जरूरी है। सर, आदित्य फाउंडेशन की तरफ से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आदित्य फाउंडेशन से, हमारे फाउंडेशन से लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईमानदारी बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर, क्योंकि हमारी अच्छी जीवन का जो मकसद है वो ईमानदारी है। ईमानदारी रहेगी तो हम अच्छी लाइफ गुजार सकेंगे, क्योंकि दुनिया में ईमानदार लोगों की वैल्यू बहुत है। आज दुनिया में बहुत कम लोग मिलते हैं जो ईमानदार है। दूसरा है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ एक ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग है। तो हमारी जो बॉडी, माइंड, सोल है, उन सबके ध्यान रखना, उन सबको डेवलप करना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड की बात करूं, जो मैं तकरीबन 22-23 साल से मैं एक्सरसाइज करता हूं, वो है दिन में एक दो बार अपने आप से बातें करो, लाइक मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। ऐसे अकेले में 4 से 5 बार बोलने से हम तंदुरुस्त रहते हैं, हम स्ट्रांग बनते हैं। और एक अच्छी सी कहावत भी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कि दिन में एक बार अपने आप से बात कर लिया करो, वरना दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दोगे। तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हम ही है, क्योंकि भगवान ने हमने यूनिक बनाया है और उनका, भगवान का कोई पर्पज होता है। और दूसरा है मानव सेवा, वही प्रभु सेवा। आपके पास कुछ थोड़ा बहुत भी है ना, तो दूसरे लोगों की सेवा करो, मानवता की सेवा करो, उसमें ही सही सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा और शांति मिलेगी। सर, जिस तरीके से आजकल नौजवान मतलब अपना उत्साह होते नजर, उसके लिए आप नौजवान के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीच भी आपके स्कूल कॉलेज में होते रहते हैं, राइट? मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बहुत सारी स्कूल्स में मैं जाता हूँ इंटरेक्टिव सेशन करने, और यूट्यूब में आप देखोगे तो 700 से ज्यादा मेरे वीडियोस मिलेंगे अलग अलग टॉपिक पे। और यूथ को तो मैं इतना ही मैसेज दूंगा कि यूथ की एज है ना, ये टाइम के अंदर एक ब्लेसिंग है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है,
हर मिनट हर दिन पे नई टेक्नोलॉजी आती है और यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी है अपनी सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए, क्योंकि हर चीज़ आपको गूगल पे, हर चीज़ आपको सोशल मीडिया पे मिल जाती है। बस इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, उनके ऊपर आगे बढ़ना। तो यूथ को यही बताऊंगा कि प्लीज़ आप लोग अननेसेसरी टाइम मत वेस्ट करो, गलत आदतों में मत पड़ो, अपनी लाइफ का गोल सेट करो और सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाओ और आप दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। इवन आप गरीब हो या मीडियम परिवार से हो, आप वो फिक्र मत करो, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी है ना आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। आज मेरी बात करूँ तो मैं भी बचपन में 15-16 साल की उम्र में यूथ में गरीब था, बहुत छोटे परिवार का मैं हिस्सा था, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन मेरे ड्रीम्स बड़े थे, मेरी सोच बड़ी थी और आज दुनिया में मैं अच्छे मुकाम पे पहुंच गया हूं। तो यूथ, अब सबको यही मैं मैसेज दूंगा, डोंट वरी व्हाट यू आर नाउ, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको दुनिया में क्या अचीव करना है, और जो ये ड्रीम करोगे, जो सोचोगे, वो आपकी लाइफ आगे बन जाएगी। तो बड़ा सोचो, बड़ा ड्रीम्स करो और हमेशा बड़ी बातें करो। थैंक यू वेरी मच। आज आप दिल्ली में हैं, थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा, क्या प्रमुख कारण है दिल्ली आने का आज? आज का मेरा बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए, बहुत बड़ा ब्लेसिंग के साथ मेरा दिन है, क्योंकि आज एक इवेंट है विज्ञान भवन में अभी शाम को 6 बजे, जहां वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री वेंकैया नायडू जी है, अपने आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत जी, और बहुत सारी डिग्निटरीज वहां प्रेजेंट होगी। वो इवेंट में हिज एक्सेलेंसी वाइस प्रेसिडेंट के हाथ से मेरा सम्मान होने वाला है। बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और खास इसके लिए मैं दिल्ली आया हूँ, और ये सम्मान से मुझे बहुत उम्मीद है कि 2019 में हम लोग बहुत कुछ करेंगे, बहुत लोगों की लाइफ को टच करेंगे, बहुत लोगों की सेवा करेंगे अपने देश में, अपने देशवासियों की। तो बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए आज का। चलते-चलते एक आखिरी सवाल, फाउंडेशन का प्रमुख कार्य क्या है और कैसे लोग फाउंडेशन से जुड़े, जरूरतमंद लोग जो है वो कैसे फाउंडेशन तक पहुंच पाए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हमारा फाउंडेशन का जो प्रमुख काम है वो हेल्थ है, एजुकेशन है, लाइवलीहुड है, और सीनियर सिटीजन के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारी टीम बहुत पावरफुल है, हम लोग बहुत डायनामिक वे से काम कर रहे हैं, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके पास रिसोर्सिस है, जो हमें सपोर्ट कर सकते, हमारे फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हो, हमारे फाउंडेशन के साथ पार्टनर्स बन सकते हो, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन अस। आप देख सकते हो सोशल मीडिया से हमारी जो एक्टिविटी, के 4 साल में हम एशिया और अफ्रीका में, खाली इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी हम लोगों ने तकरीबन 4 लाख लोगों की लाइफ को टच किया है और ओवरऑल 6 लाख से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे साथ जुड़ो, हम मिल के काम करते हैं, अपने देश में से गरीबी दूर करते हैं, कम करते हैं, और अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाते हैं। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, ऑपोजिशन दूसरे जो लीडर्स है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, दूसरे कॉरपोरेट्स एनजीओ अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन चलो सब मिल के काम करें, अपने देश को बदले, अपने देशवासियों को अच्छी लाइफ और अच्छा जीवन देवे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ।